इस्लामाबाद बॉर्डर में। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए इंसान जब देखता है तो अल्लाह की कुदरत याद आती है इंसान। खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान में। लोग कहते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री जाएँ, ये वो ETC। मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान इंसान घूमे तो इस जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है।
था। सीखी नहीं थी मैं, पहले नहीं चला करता गाड़ी अपनी शायद मैं सीख लूंगी। इस तरह हुआ ना कि मेरा छोटा भाई नहीं जो अफजार जो सुबह गया था रात को बैठ के, वो भी जमात में गया था साल में, और बड़ा भाई भी जमात में गया था। ये घर में तो आप थे? घर में मैं था, मुफ्ती साहब थे ना। हाँ हाँ। और एक कार खड़ी है, ये खड़ी है, दो तीन सुजुकी खड़ी है, ये खड़ी है, सही है। फिर इनको चलाने वाला कोई नहीं होता था ना। हाँ मतलब कहीं जाने वाला मसलन कॉल करता था किसी ड्राइवर को, हाँ यार आज अब हमने कहीं जाना है। फिर मैंने वाले ने कहा चाबियां तेरे पास है, वो है नहीं, चलो खुद ही। हाँ तो ये इसको मैंने चलाना शुरू किया सर। सही है सही है। इस पर मैंने खूब आसीदा किया, तो आगे मैं ड्राइवर आ था हंसा पान चलाता कम ही था, लेकिन ये है कि हर वक्त पास होती थी। लेकिन ये यहाँ पे जो आपका रोड वैसे जो है ना, ये तो शहर पे तो फिर आप मास्टर होंगे, ये रोड हालांकि खतरे वाले हैं। नहीं शहर के पंजाब को तो वाकिफ नहीं है ना, दिल में खौफ सा होता है ड्राइवरी। देख ले कल हमने देख,
अभी इसके ऊपर भी बिल्डिंग बनाओगे या बस यहीं तक? अच्छा जी, सलीमुल्लाह किधर है वो? क्या कर रहे हैं? उसको भेजो ना, सलीमुल्लाह आ जाएंगे तो शफी के साथ उतरा डलवा देंगे, जा रहे हैं काम तो बीजी अभी आई है ना सीधी, आपका वो पता तैयार है, वो जाओ उसके साथ पाँच मिनट कर लेगा, वो कोई काम नहीं है। अपने बच्चे और बाबू हो बाबा बालास आप इसी में कॉल बालास पली करो पे ये नहीं बैनी नहीं बैनी इधर आ तू इधर तू इधर आ उधर आ चाचू रुको बेहो पल्ले बसो पल्ले बसो जरा कि हीरो सबसे तो लाले का बेटा गोरा है, पूरा पठान है, दूसरा भी छोटा बड़ा भी है, अखियां बिलियां बिलियां अखा माशाल्लाह, छोटा छोटा ही शेर है, छोटा शेर या बड़ा दूसरा है, बड़ा दूसरा है, ये बड़ा है, नहीं नहीं ये बड़े भाई का है, अच्छा ये है, अच्छा ये है अनस की देवी अनस चाचा कपड़े गंदे की दे देने चल रहे सही बुरा क्या ना चल भेजो भेजो चलो पीछे लो चलो पीछे चलो नहीं मैं आगे गड्डी चला आप भी आ गए हो गड्डी चले लाला ड्राइवर तेरे तो भी जल्दी पड़ेगा थोड़ी सीट पीछे कर लो पीछे मैं चले चुप कर दो असमें आगे पुलिस देखेगी चलान भी कर देती है छोटे होते ही लाटले हैं ना नखरे भी उठाने होते हैं इनके हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इनके सही बात है आयो तुम सब नीचे उतरो दरवाजा खोलो सारे नीचे उतरो ऐसा ऐसा नीचे उतरो आ गया हो ना उमले रखो बंदे बाय 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 अनस भी आ रहे हो यार लुका शानो से आठ नजर आनो सा आठ रात तू रोड देख ही पाक नहीं बच्चे ला बे बे बस बस रोड देखे पाग नहीं होए किधर जाओगे
इन्हें छोड़ दिया इधर देखो हीरो इधर देखो बस दुआ पढ़ो सारी शीशा खोल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो एबटाबाद का माहौल, इतना बड़ा VIP माहौल है। असा जिता रिहायश की हुई है, अपना मौसम भाई हैं, अल्लाह पाक ने जिंदगी रखे यार, बड़ा ही अच्छा प्रोटोकॉल दिते ने, सकू बड़े ही नाइस परसन बंदे हैं। अस पहाड़ के मतलब कि मिड के बैठे हैं, इन्हों का घर है, उत्ते घर तो नहीं आ सकते, डेरा ही ने, डेरे पर बैठे हैं। माहौल है सही एबटाबाद का, सुबह सुबह का टाइम है, सुते पाया से अचानक उठे हाँ। बारिश का सिलसिला शुरू होया है, ये देखें व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे, पहाड़ देखें बिल्कुल प्यारा माहौल बना हुआ है घूमने वाला। इंशाल्लाह अभी जाएंगे घूमने, नाश्ता वाश्ता कर लें, उसके बाद बारिश में यहाँ पे घूमने का अपना ही मज़ा है, बंदा जाए तो बंदे का दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऊपर भी लोग जा रहे हैं अभी पहाड़ के ऊपर, ये काफ़ी ऊपर जाते हैं, ऊपर भी मैंने सारा विज़िट किया हुआ है, नीचे भी सारा देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद सारा कम्प्लीट देख लिया है। मैंने कहा दोस्तों को सिर्फ व्यू दिखा दूँ, ये रोड जा रहा है नज़र आ रहा है आपको, वो रोड जा रहा है, वो गाड़ी आ रही है, वो देखें ये रोड है इनका मेन रोड, वो गाड़ी आ रही है, बिल्कुल साफ सुथरा शफाफ रोड है ये देखें, और सारे पहाड़ ही हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ एबटाबाद में, यहाँ पे चारों तरफ जी है ना, चारों तरफ ही पहाड़ ही पहाड़ हैं, लोगों ने पहाड़ों के ऊपर घर बनाए हुए हैं, और ये देखें जी ये ऊपर और मज़ीद, जी जी वो ऊपर बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आपको एक कोई प्राइवेट स्कूल है, और इसके पीछे एक और बिल्डिंग है जो कम सेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद की वो है, और पहाड़ के ऊपर देखें कैसा प्यारा माहौल है, ये देखें जैसे धुंध नज़र आ रही है, हम तो इसे धुंध ही कहते हैं लाहौर, ये पता नहीं अब ये क्या चीज़ है, अल्लाह ही जानता है, लेकिन बड़ा प्यारा व्यू है इसका, और दिल करता है कि वापस ही घर ना जाएँ, यहीं पर स्टे हो जाएँ परमानेंटली, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी भी गुजारनी है इंसान ने, वर्किंग भी करनी है, काम भी करना है, और यहाँ की जो सर्दी है ना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आया हुआ हूँ लाहौर में, एसी के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं पंखा भी नहीं चलाता, एसी तो दूर की बात है, ऊपर से मैंने कंबल पहना हुआ है, यहाँ पर ये कंडीशन है, और सर्दी का माहौल इतना कि उफ, और ये देखें ये चारों तरफ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, ये लकड़ियाँ इन्होंने अपना अपना गोदाम बनाया हुआ है, जैसे ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं, और ये देख ये देखें जी बकरियाँ भी हैं इनके पास, बकरियों का फार्म भी है,
बकरियों का फार्म है, गाय का फार्म है, गाय भैंसों का फार्म है, उसके बाद मुर्गियों का फार्म है, मुर्गियां ब्रीड कराते हैं, ब्रायलर मुर्गियां, देसी मुर्गियां, अंडे शंडे सेल करते हैं। बड़ा बिजनेस है माधव भाई का। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इनके भाइयों को बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मैं आपस की बात कहता हूँ, ये जो पंजाबी लोग हैं या दूसरे जो हैं ना, ये इतने मिलनसार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खान भाई हैं और हिंद को इनकी लैंग्वेज है हिंद को, लेकिन बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग। जितनी इनकी तारीफ़ करें कम है, जितनी तारीफ़ करें इनकी कम है। मैं फ़र्स्ट टाइम इनके पास आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतना रिस्पांस दिया है मेरी सोच से भी ज़्यादा कि मैं सोच नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और इनकी सेहत में बरकत डालें, इनके घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत ही अच्छे लोग हैं और एबटाबाद के मोस्टली मैं जिनसे मिला हूँ सब भी अच्छे बंदे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या बात है, इलाका की बात होती है, हर बंदा कह रहा है कि आप मेरे मेहमान बने, मेरे मेहमान बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी का बहुत बड़ा रुझान है। अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं मरी शरी को भूल जाएंगे, एबटाबाद आएंगे आप मरी भूल जाएंगे। और एबटाबाद बहुत ही अच्छा व्यू है देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मरी में सिर्फ बर्फ़ होती है। अगर हम तो टाइम थोड़े और टाइम पे आ गए हैं, अगर हम आते कोई 11वें महीने 12वें महीने तो एबटाबाद में भी बर्फ़ होती है। ये नहीं है कि खाली मरी में बर्फ़ है, बर्फ़ यहाँ पे भी गिरती है। तो आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा, जब आपने विज़िट करना हो तो चुप करके एबटाबाद आ जाएं। और एबटाबाद के लोग बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं, बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं और सखी लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे सुबह हो गई, अभी तक बारिश नहीं रुक रही, कल रात की बारिश है, बहुत तेज़ थी, अब खैर थम गई है। मैं उठाऊँ तो मैंने कहा ये थोड़ा सा व्यू मैं कैप्चर कर लूँ, दोस्तों को शेयर करूँगा, इंशाल्लाह दोस्त देखेंगे एंजॉय करेंगे। हमने तो एंजॉय फुल किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह का माहौल है, देखो ये एबटाबाद बारिश नहीं पी है, कल रात खड़ रही है, थी फजर थी कि ये बारिश नहीं रुकी। माहौल देखो, अंडे पकौड़े ना पई, कल वाली कार क्यों कच्चे हो, मैं पकवावी कल वाली कार, चस आ गई है, पराठे हुए कि नहीं साढ़े पास जेडे कल खवाए नहीं सकूं। लला हूँ व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है, वैसे हूँ व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है बारिश दे विच। हाजी बिरा देख बारिश से नहीं पी, हाजी बिरा ये देख एबटाबाद या सहरा कर, अचानक नो मर तो पहले पहले इसी उते पहुंचाना, मैं हूं देखना मेनू आखिर रहा मैं जुस्सा, लेकिन मेरे पीछे मसले थोड़े ना मारे इशारे दे जागा ना कहता कि खड़ा हो खाने वाली गली से आते हैं, हां एक गली होती है, अरे भाई दूर दे नहीं आता, हम तो रे आ सदाड़ा जो ने ना असन वाले साहब दादा बाबा मलक उल जमान मेरे वाले साहब प्रिंसिपल इंसान है शहर में बाजार हाजी फरीद खान, हां अंकल ने जानदे होने ने पुराने बंदे, उन्होंने साल देखी ज्यादा ने वाले हो कराए थाई वाली मंडी होती है जमाने में ਉਤੇ ਥਾਈ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨ ਨਹੀਂ
मियां काके भाई जी बैठो कहे ना ये मेरे बाबे की बैठोगी मतलब उस जमान की ये मंडी ऐसा नहीं होती किसी जमाने में बैठोगी वाले साहब स्कूल में बस चले गए शर्ट पे थे मेरे रे देख जो सिर काट दादा बाबा मेरे गोले में मुरीद है ना गोले आने जुलते गोले शी में जुलते आने उधर रह भी जुन्नू रह भी किसी माँ के साथ सकते शहीद हो गए पुराने वेले में ये दफ्तर है कोई जी ये पासपोर्ट आ गई अच्छा इतिहास ही हो मैंने इतिहास कदों बड़ा सो बस ये हफ्ते जा करना नहीं तैयार कर रहे मिठे ये नादरा का दफ्तर भी आ रहे हैं नादरा भी थी ऐसी हाँ ये थी यार इतने ना ना जिला तो बड़ा सो बोला तो बड़ा इधर सारे इधर मैं पहले मैं किसी आखे इधर जान से इधर वो यार दफ्तर जा के दीदी होना पड़ा जगह की दीदी है यार ये थी जगह की जहाँ से बड़ी सोनी थाई थी बस ये उसमें मोने जगह है ठीक नहीं वो ठीक नहीं पर ये कोतरा है ये शहर के लोग बड़ी परेशानी इधर हाँ चलो जनाब गड्ढा रेट है ना बारिश कोई नहीं उतर चढ़े बारिश शुरू थी थले आ रहे हैं बारिश नहीं है उतर उतर बारिश जितना ऊपर जाओगे बारिश हो रही है शाम नू कोई आंदा भी है पता नहीं ना आए साडी की मतलब जी पैदल ही आना होता लोगों को गाड़ी छड़ी था जो था एजु कई दफा बुक किया बोलना है सवारी बिठा दी बस बुकिंग लोकल नहीं है नहीं वापसी मतलब कोई गाड़ी आनी जैसे सी वापसी आप कोई बिठा ले बस ठीक है और पैदल आने नहीं तो पैदल आने नहीं ये ऑन टू सी ना हो दे में पैदल ही मेरे आज ब्याह तो ना ये आला की दा सोफा आ गया मैं कार हो जाए या कि मेरे मकान बड़ा सफर है अंकल जी पैदल लते साढ़े बंदे नहीं टुरते लाहौर के बीबियां टुर दियां ने उथे पैदल वो मोटियां हो गए ने ना एक्सरसाइज कर रही ने बस इथे जिस वेले ओ कहंदियां ने जी स्मार्ट लगी है ते पता लगे ये भी जरूर आवे ना 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 ए अगले चौक पे वो आगे चौक पे होता है दादा मेरे दाल जो और तो कोई नहीं थे जा पला पला से इतना में खिदमत करा से ला संग थे हां ये जे तू जा तो काले जी अंकल जी खुश रखे दुआ बस याद करना सानू बनी कोई बंदे इंतजार भी कर दो तो पूछता फिर ओथे वेट कर रहे बंदे मेहमान अल्लाह तुम खुश रखे लो मिलनसार बंदे ने अल्लाह खुश रखे यार ये इलाका है नवा शहर जी जी क्या नवा शहर है ना अच्छा अच्छा इस पूरे इलाके में मेरे भाई साहब ने स्कूल पढ़ाया ना अच्छा इतनी बहुत दुनिया जानते बहुत दुनिया जानते माशाल्लाह इतने काफी स्टूडेंट होने उन्होंने तो इज्जत करते होने ने ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸੀ ਗਿਆ ਮਾਰ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਵੱਡੇ 50 ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹਾਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਥ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ दूसरा पानी सिस्टम बताऊंगा दो पानी सिस्टम अच्छा गड्डियां ज्यादातर लाला यही चलती हैं पियाने माशाल्लाह पुराना मॉडल है तो बड़ा जबरदस्त है पैदार है नहीं इतनी जल्दी ये कुछ लोगों के पास ही अच्छा अक्सर मैं नहीं गाड़ी पे
टोयोटा अच्छी है ना, होंडा यहाँ नीचे लगती है, होंडा यहाँ नीचे लगती है। हाँ या 4x4 हो या फिर आई हो, जो होंडा है वो मेन होंडा जो खरीदी हुई है ना 22 लाख की, 23-24 लाख की मतलब। हाँ वो जो कह रहे थे रात होंडा सिटी 23-23.5 लाख की पड़ी है। हाँ मतलब ये सारे वो है ना इन्वेस्टर है सारे। हाँ आगे बेच देते हैं 24-24.5 25 जो जिधर 50 भी बच जाए बड़ा है बस बेच देते हैं ना उसको। नई मॉडल गाड़ी इस्लामाबाद कराची का मिल पड़ी है ना, तो वो गाड़ी नीचे लगती है पहाड़ी इलाकों में। तो भी माशाल्लाह अभी गाड़ियों का काम तो लाला कम हो गया है, लेकिन हो रहा है यार बस गाड़ी खड़ी है ना पास, ज्यादा तो कुछ नहीं है। नहीं पैसा तो बाउंड कर दिया ना इन्वेस्ट करके, छोड़ो पैसे पैसा खर्च हो जाता है वैसे। हमारे गांव में आ रहे की अपनी लाइन है ना, अब ये पानी वहां से आ रहे वो पीछे से वो सीधा इनके घरों में पहुंचे ना, बस टंकियां खुद भरती रहती है। यासर कहता है मैंने आयल देने जाना है। अच्छा आयल का काम करता हूँ होंडा था, किसी काम का आयल नहीं है इसका। अच्छा बस पहले शफीक डालता था, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा लोगों के मोटरसाइकिलों का बेड़ा करो ना करो ओरिजिनल डालो, बिल्कुल ओरिजिनल मिलते नहीं है। सही है एक जिक हमें मिलता है ओरिजिनल, वो भी ऐसा खबीस है कभी हफ्ते में एक दफा काटन दे देता है, कभी आई नहीं कल आया कल भी नहीं, दो दिन बाद ओरिजिनल आपको मिल जाएगा मुझसे जो लेना हो, जिक चाहिए हेवलिन चाहिए होंडा चाहिए सिर्फ बिल्ड ही पड़ती है, फिर वो मार्जिन नहीं आप कह रहे हैं बचता कुछ नहीं है। चलो कोई जिक ओरिजिनल कितने का थे, मैं आपके साथ अभी कुछ सिलसिला कोई करता हूँ, हम कोई अड्डे वालों से बात करता हूँ, कोई बिल्टी में अपनी पेटे डालता हूँ कोई आपको इस तरह कोई बिल्टी का खर्चा। चलो आप माल मंगवाते हैं ना मुझसे, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट बिल्टी मैं खुद पे करूँ। नहीं आप अगर उसको कहो ना यार वो जो आप उस अड्डे भेजते थे रफ्तार पर, हाँ उसका किराया मुनासिब होता है। अच्छा बाकी ये आपको महंगा पड़ा, दूसरे अड्डे पर जो भेजा है ना फिर वो ठीक अड्डो अड्डो की बात है। चलो मैं बात करता हूँ जाके, आप ज्यादा जैसे माल मंगवाते हो ना, देखिए एक ही नग आपका बनाया था पूरा थोड़ा भरा हुआ, वो आपको फायदा हुआ है वो 400 रुपए। हाँ वही कह रहा हूँ वो फायदा हुआ है आपको, इसी तरह इस तरह का माल हो ना फिर आप उसको गते में ही नहीं जाओ। हाँ उसको गते में डाल के ना तोड़े में घुसाओ, ठीक है बोरे में, बोरे में बोरा खोल के ना सीधो। हाँ अपने पास सामान रखो सीने का, हाँ सारा कुछ है वो तो हम नहीं कहते वो पत्री वाले सी देते आते हैं, लेकिन मसला यही है ना आप जैसे कह रहे हो ना, मैं कहता हूँ बोरे में कोई चीज आपकी टूट ना जाए, कार्टन में तो सही कार्टन में डाल के फिर बोरे में पैक करो। अच्छा 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 बोरा ऊपर चढ़ा दो, समय चीज रास्ते में कार्टन फट जाता है ना, कार्टन फट बोरा हिलता नहीं अपनी जगह। अभी नेक्स्ट ऐसा ही करेंगे आपके साथ, बोरा तो बड़े बड़े बोरे तंगे हमारे पास होते हैं बड़े, जितना भी माल मंगवाओ उसमें एक ही कार्टन बनवा लेंगे। यही बात है ना, नहीं ज्यादा भारी ना हो क्योंकि फिर मसला बन जाता है लोड अनलोड का भी ना, मसला ये हो कि जिसका पीछे आपने भेजा वो मुनासिब कार्टन वही होता है। बस ठीक है मैं अभी नेक्स्ट ऐसा ही मैं कोशिश करता हूँ उसी तरह। पानी सप्लाई जा रहा है देखो कि अभी वापस गांव को जाओ, वहाँ टंकी में है ना, ठीक है अगर आपने लाइन देखी थी देखी टंकी में, अब यहाँ से अभी गांव को जाओ 24 घंटे पानी रहता है। सही है ये बर्बाद है ना। अच्छा ये पैप इतनी लाइन पे चाहिए, ये गवर्नमेंट ने चाहिए खुद अपनी अपनी मदद आप गवर्नमेंट मंजूर करती है। यहाँ का MP कौन है, मुख्तलिफ होते हैं, आप इलेक्शन पे नहीं खड़े हुए, आपकी फैमिली तो बड़ी है इधर, फैमिली है फैमिली बड़ी खड़े हुए थे अपने बंदे हैं, हमारी फैमिली खड़ी।
ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰੁਕਸਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰੁਕਸਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਰੇ ਹੀ ਜਾਨੇ ਕਰੇ ਹੀ ਹੌਸਲ ਹੌਸਲ ਕਰੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਆ ਉਧਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਲੈ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਾਪਤਾ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਘਰੇ ਆਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੁਕਾ ਵਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਭੇਜਣ ਜੁਲਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਸਰ ਲੈ ਬਈ ਦੋ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਨ ਮੈਂ ਕਢੂ ਆਮ ਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ਕਢੂ ਫਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਘੁੰਮਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪ ਕੈਪਟਾਬਾਦ ਦੇਖਨੇ ਯਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਾਬਾਦ ਹਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਪਟਾਬਾਦ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆਵੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਦਨ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਨਾ ਸੁਲਪੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰਾ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹ 6 ਲੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹਮ ਨਵਾਂ ਸਾਂ ਦੀ ਤਬੇ ਨਿਉਂ ਦੀ ਹਾਂ ਸਿਆਨ ਕੀ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਅੰਮਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਨਾ ਮਰਦ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਆਏ ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਸਹੀ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇ ਮਨਰੋਜ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨਰੋਜ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਰੋਜ ਜੀ ਨਾ ਸਰ ਉਤਲੀ ਮਨਰੋਜ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਰੋਜ ਖੋੜ ਤੇ ਕਰ ਉਤਲੀ ਉਤਲੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਫਟ ਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਰੋਜ ਹੀ ਹੈ ਮਨਰੋਜ ਫਿਰ ਮੰਦਰੋਸ਼ਾ ਵਾ ਰਾਤ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰੋਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਮੰਦਰੋਸ਼ਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਫਰੋ ਜਾ ਇਹ ਦੋਰੀਓ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੋਰੀਓ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਮਾਲਦੀਨ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਜਰਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਮਕੀਨੀ ਹੈ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਇਸੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ 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 ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਦਮ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਦਮ ਦੌੜ ਕਿਹੜੀ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਵੇ ਉੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਾ ਉਮਰ ਸਹੀ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਰਦੂ ਬਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ये भी नहीं मिला खाना शाना बनाया इसके लिए ये वाले साहब भी कहता है मेरे साथ तबीयत खराब हो गई कहता मेरी अचानक उस दिन बारिश भी आ गई लाहौर में ये फिर चले गए आज मिल लेंगे वो कोई मसला नहीं है लाला तुसी सानू भाई मिल गए हो ना अच्छे मसला तो है ना अच्छे बंदे भी बड़े लबना बड़ा क्या करें एक आदमी आता है कहता है मैं आऊंगा तुम आ जाओ हां जी कभी आपसे कहा नहीं है उधर नहीं नहीं आपने यासिर को कहा यासिर कहता पीर से पहले ना आना मैंने कहा यार फिर मैं नहीं हूं हफ्ता इतवार तो हमारी जिसकी पीटते ना तो बाद शहर में हां कोई कपूर कपूर मैंने आपको नहीं कहा इधर ऊपर हां हां इस ऊपर जाकर गांव में इनका मंबाड़ा है बस एक एक अब्दुल्लाह शहर में ठीक है शहर के अंदर वो पीटते हैं का शहर से बाहर कोई काम ही नहीं है मेरी रोड यार सही बात है इधर क्या काम शियो पीटने का हाँ सही बात है शियों का कोई काम नहीं है मतलब शहर कहते हैं मनसे रोड पे नहीं पीटते नहीं पीटते जहाँ से हम लड़की को नहीं बिठाया हाँ आ गया तो चौक से ऊपर 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 नीचे नहीं आते रास्ता नहीं बंद करते वो शहर के अंदर एक चक्कर लगा रहे सामने चक्कर नहीं लगा हाँ जैसे बैठे शहर के अंदर एक तरफ से दूसरे से वापस चले जाते बस बस ये वो भी इतनी सिक्योरिटी होती है की आप सोच नहीं सकते सही बात है तो अब ये टाउनशिप है सारा सही है और ये टाउनशिप अपने वक्त का सबसे अच्छा पाकिस्तान का कैप्टबा का मंसूबा था मंसूबा फौजियों ने इसमें दाल में काला कर दिया हाँ फौजी थाना पीछे ककुल अकेडमी पीछे जुड़ी है हाँ सही बात है फौजी जो है ना पहाड़ों पे चढ़ोगे ना इनके हाँ ये पीछे हाँ तो ककुल अकेडमी के ग्राउंड है जो नजर आएंगे सारा कुछ नजर आएगा वो जो गेट है ना हाँ हाँ वहाँ से तो अंदर बहुत दूर है ये यहाँ से नजदीक है यहाँ से नजदीक है हाँ ये मलेरी दे देखी बैठेंगे है ना
देखो ना सारा खूबसूरत एरिया कितना अच्छा खूबसूरत एरिया है। गाड़ी में खुद आराम से चला रहा हूँ। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हमें भी जल्दी नहीं है, हम तो फ्री हैं, बस आपकी टाइम की मुझे टेंशन है क्योंकि आपने बच्चों की जिम्मेदारी है ना आप पे। चलो हमारा तो कोई इतना वो नहीं है, कल वैसे भी शायद अगर आप मरी निकलेंगे तो टाइम पे निकलेंगे कल ना। हाँ कल टाइम से नाश्ता करा के फिर गाड़ी के अड्डे से मालूमात कर लूंगा ना, दो सीटें रखवा लेंगे आप यहीं से बैठा। ठीक है ये सही है। बाद जाने वाला होगा मैं उसको कॉल करूंगा ना, और उसके बाद अड्डे से दो सीटें रखवा लेगा ना। ठीक है मतलब सीएनजी के पास हम बिठवा देंगे आपको। ठीक है सीधा मरी बस, जब गाड़ी वहां से निकलेगी वहां से रब्ता कर लेंगे हम आपको यहां से बिठा देंगे। लला वो देखो वो भी घर बना हुआ है इतनी पहाड़ी के ऊपर, वो देखें वो घर है सारे वो सिर्फ से रास्ते माशाल्लाह भी आपको उधर गाड़ी भी जाती। हाँ सी बात है वो लोग नीचे उतरते हैं आते हैं गाड़ी जाती है। यहाँ में कई दफा अच्छा यहाँ पे पहली दफा भी अच्छा अच्छा मतलब यहाँ तक आते इस ऊपर कई दफा तो हमें जरूरत नहीं थी। आप लोग तो चलो सह मैं जाते हो हम किस लिए यहाँ आया हूँ यहाँ से ऊपर में क्यों। ठीक है जदवन चौक ये सारा जुदुन चौक जदवन अच्छा जुदुन ये ऊपर जाएंगे ना आप ये ककुल अकेडमी की ग्राउंड है पहाड़ों के पीछे, यहाँ फौजी गार्ड नहीं बनाते थे किसी को। अच्छा ये सब फौजी एरिया ये भी पल्ली तरफ फौजी ये नहीं आदमी को काम भी कितनी जल्दी थी। हाँ तो जल्दी काम वो सुबह सुबह कह रहा था अब लेट जा रहा हूँ इतनी तो जल्दी उठता ही कोई नहीं है सीधी सी बात है दस दस बजे तक लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। लाहौर की रूटीन जो है ना लाला बारह एक बजे नाश्ता होता है वहां पे। वैसे आपस की बात है आपके हम पराठे नहीं भूलेंगे। क्यों पराठे बड़े अच्छे थे मैं फर्स्ट टाइम ये खाया मैंने। नहीं तो लाहौर में नहीं है ना ये वहाँ नहीं है यहाँ फर्स्ट टाइम खाया मैंने। पहले मैंने कहा पता नहीं लगा नान ले आया नान खा खा के तो उधर भी तंग थे ये सारा मंसूबा था सारा फेल कर दिया। मलेरा देख ये खूबसूरती देखी नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिला है से। एक दफ़ा मेरे
दोस्त है बिनोई है मेरा, वो टाप एनर्जी मुलाजम है, रात को आपको वो नहीं मिल सका, वो रात को ड्यूटी से देर से आता है ना, HMC से आता है ना टेक्सला से, ठीक है सरकारी, हाँ सरकारी ऑफिसर का पहले वो डेरा खासी हाँ रहा है ना, ठीक वहाँ साइड सखी सरवर इन सब साइड, हाँ सखी सरवर बड़ा ठंडा एरिया हमारा, सब साइडों पर काम किया उसने, बड़ा अच्छा इंजीनियर है वो, 18वीं में अभी 19वीं में, हाँ मतलब पुराना इंजीनियर है वो, अभी वो आता ना तो उसके कुछ वहाँ डेरा गाजी खान से उसका बास है फैमिली के साथ, उसको वो सरबन चौक में, आपको नहीं बताया शहर में, हाँ हाँ वो सरबन चौक में, सरबन जो होटल है ना अतबा का सबसे बड़ा होटल है, पुराना होटल है ना, ठीक है वहाँ उसको मैंने ट्राया था चौक के अंदर शहर के अंदर, सही है, उसको नाश्ता लेकर गया, फिर उसने कहा हमें सुबह के बाद घुमाओ घुमाओ, ठीक है फिर उनको हम यहाँ लेकर आए टाउनशिप, वो लिफ्ट चेयर लिफ्ट पर बैठे रहे पूरा दिन घूमते रहे, फिर उसके बाद उसको वापस भिजवाया, वो इतना खुश हो गया, उसके बाद वो छोड़ता नहीं था, रबते में रहता है अभी भी, रबते में कभी कभी रहता है, अभी रिटायर हो गया वो, 22 स्केल का 21वें में था या 22वें में था, माशाल्लाह चीफ टाइप हुआ रिटायर। अच्छा सफीउल्लाह भाई ने आप जॉब छोड़ दी एटॉमिक में ऑफिसर थे, हालांकि लगे रहते एक गवर्नमेंट का अपना एक रोब दबदबा है, बस यार अपनी नहीं होती है भाई, वो जो आदमी घर से पूरा हो ना, हाँ उसको फिर वो नहीं है, नौकरी गुलामी है, जिस आदमी के बाप की जायदाद हो काम समझता हो सारे उसे कह रखे नौकरी से, खराब हुआ शुरू में थोड़ा सा क्योंकि नौकरी आदमी छोड़ते हैं ना महीने की इनकम कम होती है फिर मसला बन जाता है, इसलिए हमें खराब किया शुरू में, लेकिन फिर संभल गए, संभल गए। अच्छा आदमी नहीं माशाल्लाह आपके भाई मिले हैं सारे मिलन सारे, ये तरबियत का होता है सारा लाला, हमारे जो खानदान के फीसर भी है ना, मैं आपको कहा ना काम साइड एफ्टबा यूनिवर्सिटी, आप कजन से पूछना खान गोल जुदून वहाँ डायरेक्टर रहा उनका एफ्टबा यूनिवर्सिटी कैंपस का, ठीक है ठीक है ना, अभी वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ है, सही है ठीक है, प्रोफेसर है जियोलॉजिस्ट है डॉक्टर है डॉक्टर खान गोल जुदून, ठीक है मैं सबका चाचा है, अच्छा तो लेकिन वो जब आपसे मिलेगा ना आप नहीं कहेंगे ये डायरेक्टर साहब है, हाँ मतलब इतने सिंपल सादे बंदे, सिंपल आदमी फैसिलिटी बहुत अच्छी है उसकी, मैंने देखा आपको देखा नहीं है मिलना मिलाना, मैंने आपको देखा नहीं था गाड़ी, मैंने आपको पहचान लिया जब आप आए ना, मुझे आइडिया पहले हो गया था आपकी आवाज से, मैंने कहा जो है ना भाई यही होंगे, कजन कह रहा था कि यार अंदर देखें भाई अड्डे के अंदर ना मैं ढूंढ रहा, हम बाहर खड़े थे ना मेन के ऊपर, मैंने कहा ये भी हो सकता है, रब्ता नहीं हो रहा था आपके साथ, सिग्नल भी बड़ा मसला था जब आए हैं, जैद का तो आया नहीं रहा, चलो इस बहाने आज आप भी हमारे साथ आ गए हो, अब लोग इन सड़कों को छोड़ने से गली जाते, सही बात है, नहीं आप वो दूसरी ये जो गाड़ी के ऊपर शीशा लगता है आपने वो नहीं लगवाया, बच्चे खड़े होते हैं नहीं यार मैं बच्चों को साथ ही लेकर आया आज तक, अच्छा उन्होंने गाड़ी भरी होती है, सही बात है तंग करते हैं रास्ते, वो घूम फिर जाते हैं, लेकिन मैंने कहा दफा कर दिया, नहीं बच्चे है ना फिर वो बच्चों को अगर बच्चे शरारत ना करें तो उनको बच्चा कौन का है, नहीं लोग हैं ना अगर वापसी तो फिर उनको लेके जाएंगे, लिखा तो 5 किलोमीटर हुआ था, ये काफी लंबा हो गया सफर, पहाड़ी जगह ना मोड़ का चक्कर,
ज्यादा खतरा होगा इनको। आप ये इंजन पार्ट्स कहाँ से उठाते हैं सारे? ये लेते ही नहीं आप? लेते हैं, लेते हैं, इंजन है हमारा। इंजन पार्ट्स हैं कहाँ से लेते हम? कुछ होंडा का भी उठा रहे हैं। ओरिजिनल उठाते हैं फीचर से? नहीं नहीं, होंडा ओरिजिनल उठा रहे हैं। कुछ कंपनियों से भी उठाते हैं, कुछ और कंपनियों से भी उठाते हैं। जैसे आप रिंग पिस्टन मांग रहे हैं ना, ओरिजिनल भी हैं, आजकल चाइना के भी हैं, कुछ लोकल भी आ रहे हैं। लोग पैसे की नोयत पे देते। अब एक कस्टमर है मेरा बावलपुर का, उसने मुझे कहा कि यार मुझे वो चाहिए 300 रुपए वाला पिस्टन। तो मैंने कहा 300 वाला यार, रिंग पिस्टन तो गाड़ी का सारा काम ही वही करता है। अब वो लोकल डालोगे, फिर इंजन खोलो, अगला इंजन खुलवाई भी इतनी है, महंगा काम है इंजन खुलवाई। हाँ तो कस्टमर एक दो पैसे खर्चे बेचारा, वो फिर साल सुखी तो हो जाए ना। हमने उधर भी मार्जिन यार कमाना होता है, इसमें भी मार्जिन कमाना होता है, तो बंदा मशवरा अच्छी चीज का दे। इधर ज्यादा व्यू नजर आ रहा है इस साइड पे। लिफ्ट का कोई एरो शेरो ही नहीं आ रहा, नजर कहाँ पे है। माल की, लाहौर के माल की भी बात चीजों में शिकायत आ जाती है। हाँ। जो फैंसी माल है ना, हाँ, उसका समझ नहीं आता, वो उसके अपने ही रेट है। अरे काम ये है अच्छा माशाल्लाह। किसका? ऑटो पार्ट नहीं, दूसरा ऑटो पार्ट का जो भी काम है ना, बाइक तो ज्यादा है ना, हर घर में बाइक है, गरीब के घर भी बाइक है, रोटी है नहीं है, बाइक जरूरी है। तो लाइव दिखा रहे हो? नहीं, ये लाइव नहीं, आज तक भी लाइव नहीं आया मैं जिंदगी में। दो तीन दफा लाइव आया था, वैसे तो पिक पे आपको पता यकीन नहीं करते लोग, लाइव आया था, मरी गया हुआ था। वाला ईमान से लड़की आंटियां आशिक हो गई। अभी कौन है ये? मैं इस वक्त वहाँ हूँ, नारान नारा लोग कहेंगे नारा आपको गिलगित लोग कहेंगे गिलगित साल अगस्त कोई फर्क तो नहीं है ना? नहीं नहीं फर्क तो नहीं है। अभी आपको दिया है दौड़ पे खड़ा करने का, नहीं दिया है सेंड। हाँ दिया है। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है आपका बात, जिधर भी नजर मारो पहाड़ ही पहाड़ है। हाँ ये देखिए पूरा व्यू नजर आ रहा है शहर। बलोचिस्तान इलाका बहुत खूबसूरत है। साडा वाला जरा है ना पथरीले पड़ा पहाड़, उन तो आगे जरा है ना जिसे फरमानी सेब वो लाला योब है या योब ज्यारत है। लाला बात यह है कि इधर सारे सारे पहाड़ जो है ना दरख्त ही दरख्त है पहाड़ों पे भी, इसी वजह से इलाका ठंडा है आपका। पहाड़ जो पत्थर वाला है वो तो गर्मी देता है। वही देख रहे हैं इधर, वो गाय भैंसे भी खुद चरे, छोड़ दो उनको। होलसेल का काम इफ्टबाद में अच्छा है, दुकानदार मुझसे उठाते हैं माल आकर, मैं दे देता हूँ। उठाते हैं फिर यही दुकानदारी यही करो, फिर मेरे पास आते हैं ना शायद दुकानदार मेरे से माल लेते रहते हैं। यहाँ पे तो इंफादी से लेते थे, अब मुझसे लेते हैं। खुद जो खराद वाला है ना खराद वाला, वो भी आपसे सब पिस्टन मुझसे लेके जाते हैं। सही है, मैं उसको खरीद रेट पे देता हूँ तब ना। अच्छा रेट देते हैं, रेट क्या था वो उसको पता होता है रेट क्या, 400-450 पिस्टन वो उतनी पैसे देते, ज्यादा देते नहीं। हाँ इनका ये रेट एक ही है, मतलब के ज्यादातर पता है लोगों को। 20-30 रुपए में बच्चे हम कहते हैं बहुत है। ये देखो जब वापसी पे आएंगे, इधर से ही आना ना वापसी, तो फिर थोड़ा रुकेंगे, पिक्चर भी बनाएंगे ऊपर पहाड़ी से। हाँ व्यू नजर है,
अभी चेयर लिफ्ट पे पहुंचे वो किधर है पता है वो वापसी पे वो चेयर लिफ्ट किथे भी हो कितनी लगे भी मुझे रे चश्मे ही नहीं पानी पी चश्मे का मतलब अल्लाह शिफा दे वे नहीं हर पानी पीता कर इधर देख मुझे सारे चश्मे चश्मे दायक ही में है पानी भरो इधर पानी भरो वीडियो बना रहा हूँ देर नहीं नहीं पिटता नहीं लिखा खड़े फोटो खिंचना जरूरी अस्सलाम वालेकुम सर माशाल्लाह अरे दिलू इतने मारे सुनते हैं जाओ मसल पांच मिनट लिए बैठ जाता हूँ गेट पर ठीक है गेट आ गया ये पिछला गेट भी है अगला गेट भी इधर से लड़का आ रहा है मसल नहीं देखना वो मदरसा भी हम जानते हैं सारे ठीक है ठीक है थोड़ी सी आगे खड़ी है ठीक है आगे आगे खड़ी कर लें आप जो साइड घूमें या मरी वाली साइड घूमें मशवरा दें जिधर आरसी से मैं एक साइड पे जाया करो बस एक साइड पे जाया करें आरसी अभी किधर जाएं अभी तुम घुमाए हो स्वाद कुछ स्वाद भी दूर है स्वाद दूर है फिर अमरी चले जाएं स्वाद जहाँ से आपको पहले मर्दान जाना पड़ेगा सही है तीन घंटे मर्दान में गाड़ी कर चलने चलने मर्दान से दो ढाई घंटे मंगवा रहे मालूम जब्बा या वो जो बात कर रहे हैं ना वो बहुत दूर है फिर वो आगे दो तीन घंटे मतलब दिन का सफर है गाड़ी अपनी हो तो फिर मसंग आदमी चलते फिर घूमते फिरते हाँ फिर बंदा स्टे करता जाता है दोस्त होते हैं बातचीत गप सप लगी रहती है हाँ ऐसा ही है ऐसे तो बड़ा मस्त है इंसान घूम करता है वैसे तो चलो होते रहे नहीं तो चले लागे थी ना अभी आप मैं तो बात की सबसे अच्छी शहर का बिलोरिया बिलोरिया मेरा एक दोस्त कहा था नीचे करो प्लीज सर आ गई हाँ नीचे करो डोल पी आई मैं
मलेरा शेर ना निकला वेगो देख इतना गैस भी नहीं पी देख ये गैस पाइप देख यार देख दो तेरी वीडियो जो आवे थी ना पिछे फोटो कप खिंदे मना बिचो वीडियो जो कोई ना कोई फोटो एक चंगा लग लग मैंने पौधे हाँ पी टी सेल का खंबा ही लगा खड़ी नैट का केड़ा पिए ये डाला आगे भी कोई पॉइंट देखने वाले हैं आगे आबादी है भाई आबादी है चलो आबादी तो देखूं फुल खाली है बेफिक्रा थी मैं पहले खाली करके आया इनको ये देख नद्दू खाए पहाड़ें चलने नहीं बुकटी वाली जुत्ती तो दिखा लो मलेर दी वलिया नहीं सुथन एडो रस्ता है कि बंदा लथे मेरे को पकड़ मारी बना एंजॉय डो ये मैं रखी हुई है ये मैं थी वो ना करें ना तेरी थी ये इधर मैंने खाना मार दिया कि नहीं क्योंकि बोर गाय ना पनियाल थी प्यार घा दे पानी नमी होनी ना हाँ सही है सीधा टोल थोड़ा मैं कर
बस करो 6 मिनट ठीक है 6 मिनट ठीक है 6 मिनट दो तो ठीक है ना मैं इतने मार गिना अस्सलाम वालेकुम लला क्या हाल है शुक्र है अल्लाह का दुआएं आपकी आवन में जमाना खड़ बनी नो देखी कतरा पता लगे मुलेरे सही है अलैकुम दोस्तों ये देखो ये बिल्कुल टॉप देते से खड़े हैं एबटाबाद देते हैं टॉप देते हैं बिल्कुल ये रास्ता में ना पाए एबटाबाद दा सारा रास्ता एवें ही है को रास्ता हेठ लाना पे तो घर बनिया कर बड़े खूबसूरत घर हैं ते बड़ा ही प्यारा व्यू है इतना देखो पहाड़ बड़े खूबसूरत दरख्त हैं देखो सर्दी तो बहुत ज़्यादा है इतना हालांकि लाहौर दे विच इतनी गर्मी है असं कल ही पहुँचे हैं इतना बहुत सर्दी है देखो जी सुबह सुबह का नज़ारा अपना ही है देखने का मज़ा आ गया अज इंशाल्लाह एबटाबाद पूरा घूमने हैं देखते हैं इतना क्या क्या है केड़े केड़े पॉइंट हैं इंशाल्लाह तो जरूर दिख लेसूँ दोस्तों को माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा माहौल है जितनी तारीफ करो अल्लाह पाक दी बहु घट है देखो ये कुदरत दे नज़ारे चारों तरफ ही पहाड़ ही पहाड़ पहाड़ों के विच लोगों की रिहायश है दोस्तों क्या हाल है ठीक ठाक ये देखो एबटाबाद का व्यू है सुबह सुबह का फर्स्ट टाइम का ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है इधर एक अपने प्यारे दोस्त अजीज से मिलने के लिए आए हुए थे और उनके यहाँ नाइट गुजारी है मैंने यहाँ पे एबटाबाद में ही ये देखें कितना ही प्यारा व्यू है ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये सुबह सुबह का टाइम है यार ये देखो ये देखें मेरे को हर लगा ये देखें यहाँ पे
ये देखें ये ऊपर को रास्ता जा रहा है, ये देखें नहीं 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 अभी रियान को करने दो। बड़ी बड़ी बनाते हैं, बहुत बड़ी, खेलो खेलो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। इतनी बड़ी क्यों बना रहे हो? वो अभी तो रिहान सही बचा रहा है इसे, देखो सही बजा रहा है, हंस भी रहा है। Yeah.
शादी जी रुको
चकवाल कलर कार के माउंटेन एवरेस्ट हम देखे। और यहाँ पे बादल ऐसे करीब आ गए हैं जैसे लगता है यहाँ पे बारिश होने वाली है। और यहाँ का व्यू देखें बहुत ही प्यारा है।
दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब व्यूअर ठीक होंगे मेरे। अच्छा भाई यार, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। मैंने एक चैनल बनाया हुआ है ये अपना ऑटो ब्लॉग के नाम से। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार ऑटो पार्ट्स भी भाई ये शेयर करता है और साथ में हमें ट्रैवलिंग भी दिखाता है। तो लाला बात ये है कि ये ड्यूल चैनल है मेरा, मतलब ऑटो पार्ट्स वाला मेरा बिजनेस है, वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पे। और दूसरा ये है ट्रैवलिंग भी मेरा जो है ना शौक़ है, तो इसी वजह से वीडियो अपलोडेड होती रहेंगी इंशाल्लाह, आपसे गपशप होती रहेगी तमाम दोस्तों से। और मैं दूसरी ये बात कहना चाहूँगा तमाम दोस्तों से कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ऑटो ब्लॉग के नाम से, आप यूट्यूब पर जाएँगे ऑटो ब्लॉग के नाम से सर्च करें और फर्स्ट पे ही आपको ये मिल जाएगा। इसको जो है ना आपने सब्सक्राइब भी करना है और पहले फर्स्ट आपने क्या करना है, वॉच टाइम इसका करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, 4 से 5 मिनट मस्ट वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब से ये फ़ायदा होगा कि आप फिर परमानेंट सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मोस्टली आपको ऑटो पार्ट्स के हवाले से भी मिलेगा, क्योंकि इसमें बिज़नेस है ऑटो पार्ट्स। आजकल आपको पता है बिज़नेस बहुत ज़्यादा है ऑटो पार्ट्स का, और जो दोस्त नए हैं ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हम यार कैसे काम करें या कैसे मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करें। जहर सी बात है, न्यू बंदा होता है तो वो ज़रूर डरता है कि यार मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएँ। तो लिहाजा आप मेरा ये चैनल यूट्यूब वाला जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें, इस पे आपको आइडिया भी मिलेंगे। और अगर कोई भाई ऑटो पार्ट्स के से रिलेटेड मतलब के बिज़नेस करना चाहे तो उस भाई को बिज़नेस के हवाले से मैं टिप्स दूंगा, तो इंशाल्लाह अच्छी गाइड होगी तमाम दोस्तों के लिए, क्योंकि हम बैठे हुए हैं तमाम दोस्तों के लिए अच्छी रहनुमाई के लिए। और मैं ऑटो पार्ट्स होल सेल पर सेल करता हूँ, अगर किसी भाई को ऑटो पार्ट्स चाहिए हो तो वो ऑटो पार्ट्स भी मुझसे परचेज़ कर सकता है। तो बात यह है कि मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर शेयर करें। जो बात आपने पूछनी हो मुझे उधर कमेंट करें, कमेंट में ये होगा कि मैं आप भाइयों की जो भी हेल्प कर सकूंगा इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। तो कमेंट पे आपने ये मुझे बताना है कि भाई, या जैसे मैं कोई पार्ट्स की वीडियो बनाता हूँ, अब वो पार्ट्स चाहिए ऑर्डर करना हो तो आप कमेंट कर दें, या उस पार्ट से रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा, तो आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बिज़नेस के लिए, बिज़नेस से रिलेटेड मैंने बनाया था, और इसमें इंशाल्लाह बिज़नेस भी है और टूरिस्ट भी है, दोनों हैं इसमें। और मेरी अपनी वीडियो अपलोडेड होती रहती हैं, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को इंशाल्लाह, तो ऑटो पार्ट्स के हवाले से भी, टूरिस्ट के हवाले से भी। और कुछ लोग शौकीन होते हैं टूरिस्ट के, तो वो कहीं जाना चाहते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि यार न्यू बंदे होते हैं कि किस तरह जाएं, कैसे ट्रैवलिंग करें, किधर स्टे करें। मैं सब बताऊंगा आप दोस्तों को कि आपको सस्ता होटल कहां पे मिलता है और सस्ता खाना कहां से मिलता है अच्छी क्वालिटी का, आप घूम फिर लें। आपको मैं बताऊँगा कि आप कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर विज़िट करें, कौन सी लोकेशन अच्छी है आप जाएँ देखें। तो इस तरह से ये मतलब कि आपको ये भी टिप्स मिलेंगी। और दूसरा, मुझसे काफ़ी लोग सवालात करते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, जहर सी बात है ये हालात बड़ा मुश्किल चल रहे हैं, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे लोगों को बिज़नेस के हवाले से भी टिप्स मिलेंगी और इंशाल्लाह रोज़गार भी फराहम किया जाएगा, तो रोज़गार से हवाले से भी लोगों को जो है ना काफ़ी टिप्स मिलेंगी। तो लिहाजा मेरे ये चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।